जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक हो गए। अभी हम लोग घूमने में थोड़ा सा बाहर बच्चों को लेके, खाना हम लोगों ने खा लिया है, अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स, हम लोग निकले में बाहर, बड़ा मज़ा आ रहा है। खाना तो हम लोग खा चुके हैं। तो ये दस्तगीर वाला रोड है, वहाँ से हम गुजर रहे हैं। तो आगे हमारे रिक्शे वाला जा रहा है, बहुत ऊँचे आवाज़ में साउंड लगाया हुआ है। ये देखिए, ये रिक्शे वाला पीछे रह गया, उन्होंने बहुत ऊँची आवाज़ में गाने लगाए हुए थे। तो और आप लोग कैसे हैं सब? तो ये गुलशन के रोड पे हम लोग चढ़ चुके हैं, गुलशन वाला रोड है ये। और आगे ये मारोज ब्यूटी पार्लर है, बहुत बड़ा। इसको तो खिलौनों की बस पड़ी रहती है। ये देखिए, ये भी है। अच्छा अच्छा, लेके देती हूँ, आगे से लेके देती हूँ, सबर लेके देती हूँ। अभी आगे से लेके देती हूँ ना, यहाँ पे अच्छे नहीं थे, अभी आगे से लेके देती हूँ। जो हम पापा रुकेंगे ना, फिर हम लेंगे खिलौने। तो बड़ा मज़ा आ रहा है फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं बच्चों को लेके। खाना खा लिया था, बस अभी थोड़ा सा देखते हैं, वहाँ चाय वगैरह पीते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिएगा। ये छोटी सी यहाँ पे कॉन्टिनेंटल बेकरी है इस रोड पे। मारोज की ब्रांच है काफ़ी बड़ी इस रोड पे, चुरंगी के बिल्कुल ऊपर ही है। बड़ी ज़बरदस्त ब्रांच है, लोग काफ़ी बड़ी है। कुछ लोग तो रोड देखना बहुत पसंद है, और लोग इस ऐसी वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा थोड़ा चेंज ब्लॉग बनाती हूँ, थोड़ा दिखाती हूँ ज़रा अपना शहर कराची शहर। ये रोड वो है सर सैयद यूनिवर्सिटी रोड, जिस रोड पे सर सैयद यूनिवर्सिटी है, ये वो वाला रोड है गुलशन का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, इधर भी बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। अभी घर जा रहे हैं हम लोग, देखेंगे चाय पियेंगे अगर हो सका तो, भी जैसे दिल नहीं चाह रहा। आगे निफा चुरंगी वाला पुल आ गया, हम लोग यहाँ से भी मुड़ेंगे बराबर। सही सर सही है। तो ये निफा चुरंगी वाला रोड आ गया, हम लोग निफा चुरंगी की तरफ जा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को। ये निपा चुरंगी आ गई है, ये निपा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। निपा चुरंगी वाला ब्रिज है ये। तो बाज़ लोगों को रोड के ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं रोड का बना रही हूँ ब्लॉग। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ये जो पार्क वाला ब्रिज है ना, ये वो वाला ब्रिज है, क्योंकि अभी हम नीपा वाले रोड पे ही हैं। तो ये वो वाला ब्रिज है, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। तो ये समामा है सारी, मार्केट बंद है, फिर किसी दिन आपको दिखाऊंगी। ये सारी बहुत बड़ी मार्केट है ये समामा। तो ये हम इंटर हो रहे हैं जौहर में। तो ये है समामा वाली रोड जो निकलती है जाके सीधी कौन सी चुरंगी पे, जौहर चुरंगी पे। तो ये समामा वाली रोड है जो सीधी चुरंगी पे जाके निकलती है, चुरंगी से आगे भी जाती है बटाइयाबाद और एयरपोर्ट की तरफ। शादी हॉल है और ये कॉन्टिनेंटल बेकरी है, जो कि यहाँ की बहुत मशहूर है बेकरी। ये छोटी सी बेकरी है लेकिन यहाँ की बहुत मशहूर बेकरी। और ये प्रोजेक्ट अभी तैयार हुआ है, बहुत ऊँची बिल्डिंग है, अभी अभी तैयार हुआ है। तकरीबन इसको पाँच छः महीने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लैट ये तैयार हुए हैं। तो ये सारा बहुत VIP एरिया, ये सारे फ्लैट हैं हाई लेवल के, बहुत ज़बरदस्त। अभी अंधेरा है, अभी ये दिख नहीं रहे, ये बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास एरिया है ये सारा जौहर में। जौहर है ब्लॉक 15
पार्किंग शुरू हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त, ये बसेरा आगे और आगे चुरंगी आ गई हमारी। ये फ्लैट देखें आप, और ये देखें चुरंगी, और ये बसेरा आ गई, बसेरा मार्केट, और इसके सामने किरम मार्केट, ये चुरंगी आ गई, जौहर चुरंगी, और इस तरफ बसेरा, और ये सारे चाय वगैरह गोलगप्पे वगैरह खाने पीने का सारा यहाँ पे। गुज्जर डेयरी दूध वाले हैं, ये बहुत ज़बरदस्त इनका दूध है, हम लोग यहाँ से दूध लेके जाते हैं, बहुत अच्छा दूध होता है इन लोगों का। और ये इरम सेंटर, शॉपिंग सेंटर छोटा सा, ये बंद है अभी तक, पहले हम इसी एरिए में रहते थे। ये आगे UBL बैंक, ये दारुल सेहत हॉस्पिटल आ गया, बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।